गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अपना आज का अपने लास्ट वाले व्लॉग के एंडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था गाइस कि मेरे दोस्त की पार्टी थी जहाँ पे हमने बहुत एंजॉय करा और पसीने भाई डांस कर कर गए। और अभी गाइस हम निकल रहे घर के लिए यहाँ से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ऑलरेडी गाइस तो फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। अभी गाइस इतनी कस की नींद आ रही है ना, क्या बताऊं, लेकिन अभी सो नहीं सकते गाइस क्योंकि अभी हमें कहीं में निकलना है। रेडी होता हूँ पहले गाइस, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आप टाइम देखो, 12:45 हो रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं गाइस घर से रेलवे स्टेशन के लिए और चलते हैं जल्दी वहीं पे। बाकी आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। अरे कैब भी एकदम टाइम से आ गई गाइस, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज कैसा हो गया। नीचे उधर से कैब आ गई, आ जाएगी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे कार में बैठ चुके हैं, निकलने के लिए रेडी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस। और गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा रोड एकदम खाली था गाइस पूरे रास्ते में ही ऑलमोस्ट। ऑलराइट गाइस तो फाइनली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। नींद आ रही है गंदी पवन को, तो पवन नींद आ रही है ना, सीधा पार्टी से यहाँ पे आ गया, मना कर रहा है लेकिन आ रही है सर। अरे पापा ये बोल रहे अभी 1.5 घंटा बाकी है ट्रेन के आने में। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होते हमने देखा कि बहुत सारे लोग तो स्टेशन के अंदर ही सो रहे हैं। भी लोग सो रहे हैं गाइस। खोन जाइए तारे जम। तो गाइस यहाँ पे पापा जी हमें बाहर लेके आ गए थे और बोल रहे थे कि ट्रेन आने वाली है। अभी पापा जी बोल रहे ट्रेन आने वाली है, कितनी देर में? 5 मिनट में गाइस। लेकिन मेरे पूरे कहने 5 मिनट में कोई ट्रेन नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इंडियन ट्रेन हमेशा लेट होती है। बाकी देखते जो भी है। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है गाइस 1:46। मैं 5 मिनट का टाइमर भी लगा रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर दिया। तो गाइस 1 मिनट अभी बचा है, 1:20 बचा है और ट्रेन आ चुकी है। मान गए भाई, कौन बचाएगी यहाँ पे आते ही। 3, 2, 1 भीड़ देखो गाइस। और जेट गाइस तो फाइनली ट्रेन के अंदर एंटर हो चुके हैं। और जेट गाइस 1 मिनट पहले चद्दर हाई कर दूं। गुड नाइट पवन। ऑल राइट गाइस तो अभी मैं यहाँ पे आप सोने लग रहा हूँ, तो आपको कल सुबह मिलता हूँ। और गुड नाइट। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब बोल रहा हूँ फिलहाल गाइस अभी हम सब सो गए, जग चुके हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज ब्रेकफास्ट में है छोले भटूरे, पाव भाजी और बेसन का लड्डू है गाइस। तो गाइस खाना वगैरह खा के फाइनली फ्री हो चुके हैं और अभी बस ट्रेन चल रही है, हम बस बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं थोड़ा सा। और बाकी मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मेरी वीडियो की एडिटिंग कर लेता हूँ एक, तो अभी आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ गुरुद्वारा। और गाइस यहाँ पे आप सब लंच करने लग रहे थे और लंच में था दाल मखानी, छोले कुलचे और रोटी। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे चाय ली थी जो इनने बहुत ज्यादा कम फिल करी थी गाइस, तो भैया तो दोबारा फिल कराई हमने पूरी। गाइस कितने मस्त खेत आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बताऊं। और है ना, मतलब हर 100-200 मीटर पे एक ना गुरुद्वारा भी दिख ही रहा है। आप मुझे बाहर उतर के थोड़ा राउंड वगैरह करते हैं। तू जा रहा है? तो गाइस अभी आधा घंटा हो चुका है, ट्रेन यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है और पापा जी हमारी पवन भी नहीं आए अभी तक। Hours later. गाइस यहाँ पे तो रात ही हो चुकी है और मम्मी आपको फिर से नींद आ रही है ना? अब तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, तेरे को आ रही है? नहीं आ रही, इसकी तो आंखें उल्लू है, इधर खुल गई। अब यहाँ से 20 या 25 मिनट का रास्ता बचा है लास्ट। और पवन अभी वॉशरूम गया हुआ है, पवन को गाइस हमने बता रखा है 1 घंटा यहाँ से, अभी तो देखते हो उसका रिएक्शन क्या रहेगा। और ऑलराइट गाइस तो फाइनली अभी स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पापा जी चेक कर रहे हैं कुछ रहा तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेन गाइस पहले स्टेशन में खाली हो चुकी है, हम लास्ट पैसेंजर हैं इस ट्रेन के लग रहा है। सॉरी गाइस आपको तो बताने भूल गए थे हम किधर आए हैं, सुबह से मैं वीडियो बना रहा हूँ भूल ही गया, हम आए गाइस अमृतसर। और गाइस इसके लिए सच्ची में सॉरी, क्योंकि मैं रात को सोचा था सोने से पहले कि आपको सुबह बता दूंगा उठ के हम किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं भूल गया था गाइस। आए गाइस अमृतसर अभी, और मम्मा जी अमृतसर के लिए एक्साइटेड हो? यहाँ पे क्या क्या घूमेंगे गाइस, किधर किधर जाएंगे सब आपको दिखाएंगे एक एक करके, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक हम गलत जगह पे जा रहे थे, एग्जिट के लिए इस तरफ जाना है। भाई ये चीज़ सबसे सही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक्सीलेटर चल रहा है, ये तो हमारे यहाँ पे तो चलता ही नहीं है, बस ऐसे नाम के खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे गाइस कैब मंगवा रहे हैं,
हाँ फिलहाल हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं गाइस। यहाँ पे निकलते ही सब लोगों ने हमें घेर लिया था, ऑटो 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 ऐसे करके पूछ रहे थे। यहाँ पे यार कैब का सिस्टम अलग लग रहा है मुझे यार। यहाँ पे कैब हमारी तरफ नहीं आ रही, हम कैब की तरफ चल के जा रहे लग रहा है। ऑल राइट गाइस, तो कैब आ चुकी है, सामान रख दिया डिग्गी में और अब बैठते हैं कार में। बैठ चुके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं गाइस पहले डायरेक्ट यहीं से डिनर करने के लिए। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। तो गाइस वैसे मैं आपको बता दूँ, इस रेस्टोरेंट का नाम था चार्मिंग चिकन, जो अभी बंद ही होने वाला था, नहीं तो यहाँ पे और ज़्यादा गाइस भीड़ रहती है। देख रहे क्या सीन है बाकी यहाँ पे गाइस, आप ये सब देख सकते हो कितने अवार्ड्स हैं यहाँ पे। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इनने पूरी की पूरी दीवारें अवार्ड से भर रही थी अपने भाई, अवार्ड्स की बारिश ये यहाँ पर। ये भी लिखा है कौन कौन फेमस पर्सनलिटीज यहाँ पे आई है। वैसे गाइस यहाँ पे स्टाफ का नेचर भी बहुत ज़्यादा सही था। और गाइस यहाँ पे खाना खाने के बाद है ना, यहाँ का जो स्टाफ है वो खाने का रिव्यू लेने भी आता था कि कैसा लगा खाना, कुछ कमी लगी क्या, हर चीज़। ऑलरेडी गाइस तो यहाँ पे अपना खाना आ चुका है, ये यहाँ की बहुत स्पेशल नान है इसलिए हमने मंगवा ली भी, क्योंकि सुबह से मैं था इसलिए हमारा नान का नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ले ली। बाकी ये गाइस बैंगन का भरता जो बहुत तगड़ा है वेज में यहाँ पे, और ये इनका चिकन है, कौन सा ये ये बटर चिकन है गाइस। और ये इसका रिव्यू तो पवन और पापा जी देंगे, बाकी बैंगन का भरता का मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कैसा है। मम्मा जी को तो बहुत तगड़ा लगा है बैंगन का भरता, अब मैं भी टेस्ट करता हूँ और आपके मुँह भी पानी आ रहा होगा। कैसा है, घर जैसा टेस्ट है यार। और यहाँ पे खाना खाने के बाद गाइस कॉम्प्लीमेंट्री रसगुल्ले भी दिए थे हमें, मिनी रसगुल्ले थे। गाइस यहाँ की जो हमारी वेज वाली साइड है यानी मम्मा जी और मैं, हमें तो बहुत सही लगा। वैसे बंद हो चुका है गाइस रेस्टोरेंट अब, और 12:13 हो रहे हैं। यहाँ से हम गाइस ई रिक्शा में जाएंगे गाइस, और जो हमें बैच चुके हैं, और हमारा जहाँ तक कि सामान की बात है ऊपर रखा हुआ है, और ये अलग ही आइसक्रीम खा रहा है। और गाइस यहाँ से हम अब सीधा होटल के लिए निकल गए थे। तो गाइस गोल्डन टेम्पल के जस्ट पास में ही, यहाँ से कितनी कष्ट आएगा। तो गाइस जैसे हमने भैया से पूछा तो भैया ने बोला बस सीधे जाके आप राइट टर्न लोगे तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल आ जाएगा। यहाँ से 2 मिनट का चलने का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है गाइस गोल्डन टेम्पल, यहाँ 2 मिनट की दूरी पे गोल्डन टेम्पल है बस। ये बस यहाँ से इधर चल लो आ जाएगा। ये पवन आते बैठे गंदी हो जाता है। और गाइस तो ये है कुछ रूम जहाँ पे 2 बेड है, एक में पापा जो मम्मी सोएंगे, एक में मैं और पवन सोएंगे, और बस यही है कि ये वॉशरूम है गाइस। वॉशरूम में तो किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी दिखा दिया। वहाँ पे फ्रिज भी है, और बस गाइस यही है रूम टूर। और इसी के साथ गाइस अपना आज के लोग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, कुछ भी पसंद तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलिए नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।